लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नागी ढूंढता रहा लेकिन पता ही नहीं चला उसका। जमींदार साहब, अब मुझे याद आया, कुछ दिन पहले अपने गांव में नाग नृत्य हो रहा था। नागी सांप की तरह बल खाता हुआ गुस्से में वहां आया और बीन तोड़ डाली और चिल्लाया कि उसका सारा शरीर बेचैन सा हो जाता है और उसके कानों में बीन की आवाज नहीं पड़नी चाहिए। बीन की आवाज?
बहन का कातिल तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ इसे, मार डालो मुझे, मारो। नहीं नागी, मैं तुम्हें पहले ही मार सकता था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्यों बाबू, इतनी दया क्यों? एक खूनी जहरीले इंसान पर ये रहम क्यों? क्योंकि तुम निर्दोष हो नागी, मैंने वो ग्रंथ पढ़ लिया है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नहीं बाबू, तुम नहीं जानते मैंने कितने गुनाह किए हैं। मैं पूनम से प्यार करता था, वो मेरी मोहब्बत थी, मेरी जिंदगी थी। मैंने अपनी जिंदगी को अपने आप से छीन लिया बाबू। बाप के प्यार ने बेटे को आज क्या से क्या बना दिया। बाप चाहता था बेटा जिंदा रहे, चाहे सांप बनकर, और इसी सांप ने तुम्हारी बहन को डस लिया बाबू। मुझे मार डालो। आगे वो देखो गांव वाले आ रहे हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। तुम यहां से भाग जाओ, भाग जाओ नागी। भाग कर कहां जाऊं बाबू? जहां भी जाऊंगा मौत मेरा पीछा करेगी। गांव में मैं रह नहीं सकता, समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। अब इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है बाबू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, उन लोगों के आने से पहले भाग जाओ। नहीं बाबू, मुझे अपने बाप का प्रायश्चित करने दो। देखना जी, गांव वाले आ गए हैं, तुम्हें तुम्हें मेरे बहन की प्यार की कसम, भाग जा, जा नागी। देखना जी, गांव वाले आ गए हैं, उनके यहां आने से पहले ही भाग जा, भाग जा, जा नागी। के लिए आया हूं, तूने मुझे ऐसा जन्म क्यों दिया जिसमें मैं जी सकूं और न मर सकूं? तूने तूने संसार का विष पिया नीलकंठ, तुझे मेरा भी विष पीना पड़ेगा। सुना नहीं तूने? वरना मैं तेरे चौखट पर सर पटक पटक कर तुम्हें जान दे दूंगा।
भगवान की दया से तेरी विश्वभरी जिंदगी को एक नया जीवन मिला है।